हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से यूनिक डिसेबिलिटी आईडी के लिए अप्लाई किया जाता है, किस प्रकार से ये जो कार्ड है वो बनवाया जाता है। तो इसके पूरे जो डेमोन्स्ट्रेशन है इसका हम करके दिखाएंगे। तो यूनिक डिसेबिलिटी आईडी केंद्र सरकार द्वारा दिव्यांगजनों को सरकारी योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाने में सक्षम बनाने के लिए डाटाबेस तैयार किया जा रहा है। इसके तहत दिव्यांगजनों को अलग पहचान देने के लिए एक यूनिक आईडी नंबर होगा। इस नंबर के प्रयोग से दिव्यांगजन ऑनलाइन आवेदन की सहायता से भी सरकार द्वारा दी गई सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि दिव्यांगजनों को बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों में सुविधाएं दी जाती हैं, जैसे कि पेंशन की सुविधा, शिक्षा के क्षेत्र में सुविधा, रेलवे में सुविधा। तो इस तरीके की सुविधाएं जो है वो अगर इस कार्ड को बनवा लेते हैं तो उनको ये सुविधाएं मिलेंगी। 21 प्रकार के दिव्यांगताएं होती हैं, जैसे कि चलने में असहाय, दृष्टिहीन, सुनने में असमर्थ, बोलने में असमर्थ, लंबे समय से तंत्रिका संबंधी रोग से पीड़ित, मानसिक रोगी, रक्त संबंधी विकारों से पीड़ित, बहुविकलांगता से ग्रस्त। तो किसी भी प्रकार की अगर दिव्यांगता है तो प्रमाण पत्र के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और यूनिक डिसेबिलिटी आईडी जो है वो आपकी बन जाएगी। इस आईडी को बनाने के लिए आपके पास कुछ प्रमाण पत्र जो है वो होने चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको प्रमाण पत्र के बारे में बता रही हूँ कि कौन कौन से आपको अपने पास रखने हैं तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि इसमें स्वास्थ्य विभाग के सीएमओ से प्राप्त प्रमाण पत्र, शिक्षा या डिग्री जो आपने प्राप्त करी है उसका प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, जाति प्रमाण पत्र यदि है आपके पास तो, और इसके अलावा दो कलर पासपोर्ट साइज की फोटो आपके पास होनी चाहिए। तो अब हम अपने जो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जो हम आपको बताने जा रहे हैं कि यूनिक डिसेबिलिटी आईडी के लिए अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको गूगल पे www.swavlamban.gov.in इसको टाइप करना है। जैसे ही हम इसको टाइप करेंगे, यूनिक डिसेबिलिटी आईडी डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन, ये यहाँ पे आपके सामने जो साइट है वो खुल के आएगी। तो आप जैसे इसको क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में आपको आपके सामने यूनिक डिसेबिलिटी आईडी का होम पेज खुल के आएगा। इस होम पेज में इसी के थ्रू आपको यहाँ से अप्लाई करना है। देखिए, आपके राइट साइड में अप्लाई फॉर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट एंड यूडीआईडी कार्ड के लिए है। इसको जैसे हम क्लिक करेंगे आपके सामने एक फॉर्म खुल के आएगा, पर्सन विथ डिसेबिलिटी रजिस्ट्रेशन। तो इस फॉर्म को फिल करके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपना यूनिक डिसेबिलिटी आईडी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके 4 स्टेप होंगे, हम आपको इसके पूरे जो 4 स्टेप हैं वो बताएंगे कि किस तरीके से आपको ये फिल करने हैं। सबसे पहला जो स्टेप है वो पर्सनल डिटेल्स है। तो पर्सनल डिटेल्स को कैसे फिल करना है, देखिए ये हिंदी और इंग्लिश ये दोनों में ही लिखना है इसको, और जिस जो भी कंपलसरी है, मैंडेटरी है, उसके आगे स्टार बना हुआ है। तो जिस भी बॉक्स के ऊपर स्टार बना हुआ है उसको आपको छोड़ना नहीं है, उसको आपको जरूर फिल करना है। और तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कैसे हमें अपने फॉर्म को फिल करना है। जैसे एप्लीकेंट फर्स्ट नेम, तो यहाँ पे पहला उसका नाम लिख देना है, या अगर आप खुद अप्लाई कर रहे हैं तो आप अपना नाम लिखिए, अगर आप किसी दूसरे का कर रहे हैं तो आप उसका नाम लिख दीजिए। फिर एप्लीकेंट मिडल नेम, जो मिडल नेम है, फिर उसके बाद सर नेम है यदि है तो फिर आप उसको यहाँ पे भर सकते हैं। फिर उसके बाद आवेदक का पहला नाम, यहाँ पे हिंदी में पूछा गया है तो आप इंग्लिश में जैसे ही उसको टाइप करेंगे हिंदी में ही अपने आप ही आ जाएगा, तो आपको हिंदी में लिखने में दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरीके से आप इस ये जो नाम है यहाँ पे फिल कर सकते हैं। फिर उसके बाद नीचे एप्लीकेंट फादर नेम, जो पिता का नाम है, प्रार्थी के पिता का नाम, वो यहाँ पे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे उसके पिता का नाम यहाँ पे लिख दिया। और फिर यहाँ पे एप्लीकेंट मदर नेम, जो एप्लीकेंट है उनकी माता का नाम यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे माता का नाम यहाँ पे लिख दिया। फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ पूछी गई है तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल कर देंगे, पहले उसकी डेट, फिर मंथ और फिर उसका ईयर, कौन से ईयर में बर्थ हुआ है। फिर उसके बाद आवेदक के पिता का नाम यहाँ पे हिंदी में पूछा है तो हिंदी में यहाँ पे लिख दिया जाएगा, और ये अपने आप ही जो
इसमें आप जैसे ही इंग्लिश में लिखेंगे वैसे ये हिंदी में अपने आप ही कन्वर्ट हो जाएगा, और आपको हिंदी में अलग से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आपके लिए बहुत मतलब हेल्पफुल रहेगा। फिर उसके बाद जेंडर पूछा गया, जो जेंडर मेल। फिर यहाँ पे मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन पूछा गया, तो यहाँ पे जो भी आपके बॉडी में पहचान का चिन्ह है जिससे आपको पहचान सकते हैं वो यहाँ पे लिख दिया जाएगा, जैसे कि अ कट मार्क ऑन लेफ्ट हैंड, ये लिख दिया। फिर यहाँ पे ये मोबाइल नंबर है दिया हुआ है, यहाँ पे अगर आप मोबाइल नंबर देना चाहते हैं तो आप यहाँ मोबाइल नंबर लिख सकते हैं। फिर ये ईमेल आईडी अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, इसके ऊपर स्टार नहीं लगा तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद कैटेगरी, तो जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं जनरल ओबीसी एससी एसटी अदर, उसको आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इसको फिल करेंगे, फिर उसके बाद ये पूछेगा ब्लड ग्रुप, अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, अगर आपको पता है, नहीं पता है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर मार्क स्टार मार्क नहीं है। फिर मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं जो भी हैं आप यहाँ से इसमें भर सकते हैं, या फिर आप इसको छोड़ भी सकते हैं क्योंकि इस पे स्टार नहीं लगा हुआ। फिर रिलेशन विथ पीडब्ल्यूडी या पर्सन विथ डिसेबिलिटी, अगर ये जो फॉर्म अगर आप खुद फिल कर रहे हैं तो सेल्फ पे टिक कर दीजिए। देखिए अगर जैसे ही आप सेल्फ पे टिक करेंगे तो बाकी की जो डिटेल है वो आपसे हट जाएगी, लेकिन अगर यहाँ पे कोई और फिल कर रहे हैं फादर मदर अंकल वगैरह, तो यहाँ पे गार्जियन का नाम पूछेगा और गार्जियन का कांटेक्ट नंबर पूछेगा। तो जो भी आपका जो कांटेक्ट नंबर होगा वो यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं, या फिर उसको सेल्फ अगर करते हैं तो आपको कोई और डिटेल नहीं देनी पड़ेगी। फिर आपको फोटो देनी है अपनी, फिर यहाँ पे आप अपनी फोटो लगा देंगे। और एक चीज और ध्यान रखनी है कि फोटो जो है 15 KB से 30 KB के बीच में होनी चाहिए। आपको पहले से ही अपनी फोटो को इतने KB तक अरेंज करके रख लेनी है ताकि आपको फोटो जब लगाएं आप तो उसमें कोई भी परेशानी ना हो। फिर उसके बाद सिग्नेचर मांगे गए हैं, सिग्नेचर मैंडेटरी नहीं है, अगर आप दे सकते हैं तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं। तो ये भी जो सिग्नेचर है वो 3 KB से 30 KB तक ही होना चाहिए, इससे ज्यादा साइज इसका नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद आपसे एड्रेस पूछा जा रहा है, तो एड्रेस फॉर कोरेस्पोंडेंस यहाँ पे पूछा गया है, तो जो भी आपका घर का एड्रेस है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी इन दोनों में ही इस एड्रेस को लिखना है, जैसे कि हम यहाँ पे अपने घर का पहले एड्रेस लिख रहे हैं। फिर उसके बाद उसी को जब जैसे ही हम इंग्लिश को ही हिंदी में लिखेंगे वो हिंदी में अपने आप ही कन्वर्ट हो जाएगा, इंग्लिश जैसे ही हम लिखते हैं। तो ये भरने के बाद में आपसे स्टेट पूछ रहा है, स्टेट डिस्ट्रिक्ट ये सब आपको फिल करना है क्योंकि इसके ऊपर स्टार मार्क लगा हुआ है। जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं वो डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ से भर दीजिए। तो जैसे आपने डिस्ट्रिक्ट बोला, अब यहाँ पे ये सिटी पूछ रहा है कौन से शहर में आप रहते हैं, तो इस शहर यहाँ पे आपने भर दिया। फिर विलेज, विलेज या ब्लॉक जो भी आपका आता है। फिर उसके बाद पिन कोड, तो जो आपके एरिया का पिन कोड है वो आप यहाँ पे भर दीजिए। फिर उसके बाद है नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ एड्रेस प्रूफ, आप कौन सा एड्रेस प्रूफ लगाना चाहते हैं, आधार कार्ड लगाना है, आपको और कुछ लगाना है, वो आप यहाँ पे जो चूज करेंगे वो आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। तो जो भी आपका आधार कार्ड होगा वो आपको यहाँ पे फाइल को चूज करके वो यहाँ पे लगाना है, आपने एड्रेस प्रूफ लगाना है। फिर उसके बाद आपसे परमानेंट एड्रेस पूछ रहा है, अगर आपको ऊपर जो हमने भरा है वही आपको सेम रखना है तो सेम एज अबव करेंगे तो सारा अपने आप ही फिल हो जाएगा, अगर आपको अलग करना है तो आप अलग भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद इसमें एजुकेशनल डिटेल्स पूछी है कि आपने कितनी पढ़ाई करी है, प्राइमरी मिडल हाई प्राइमरी या सीनियर, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको भरेंगे फिर उसके बाद नेक्स्ट का बटन है, यहाँ पे नेक्स्ट जैसे ही करेंगे आपके सामने दूसरा जो स्लॉट है वो खुल के आ गया। दूसरा है डिसेबिलिटी डिटेल्स, यानी कि आपकी जो दिव्यांगता है वो कितनी है, तो उस चीज के बारे में ये पूछ रहा है। तो जैसे पहला है डू यू हैव डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर आपके पास प्रमाण पत्र है दिव्यांगता का तो आपको बताना है, अगर आप यस करते हैं तो आपको पुराना जो आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे लगाना है, अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे नो कर दीजिए और
फिर आपको कोई भी जो डिटेल है फिल नहीं करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि डिसेबिलिटी टाइप कैसे, जैसे एसिड अटैक विक्टिम है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, ब्लाइंडनेस है, जो भी डिसेबिलिटी है वो आपको यहाँ पे टिक कर देनी है। फिर उसके बाद डिसेबिलिटी सिंस, यानी कि वो जो आपको दिव्यांगता है वो कब से है, बाय बर्थ है या फिर कौन से साल से है, वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। फिर उसके बाद में डिसेबिलिटी एरिया, कौन से बॉडी के कौन से पार्ट में आपका आपको प्रॉब्लम है, वो आपको यहाँ पे कर देना है। तो यहाँ पे जैसे ही टिक करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है हॉस्पिटल ट्रीटिंग डिसेबिलिटी। तो हॉस्पिटल में अगर आपका इलाज चला है तो वो हॉस्पिटल का एड्रेस वगैरह यहाँ पे आप डाल सकते हैं, मतलब जो भी इलाज चला था। फिर पेंशन कार्ड नंबर, जो आपका कार्ड नंबर था वो आप यहाँ पे फिल कर दीजिए। फिर है डिसेबिलिटी जो है वो किस तरीके की है, जैसे कि एक्सीडेंट हुआ है या फिर कोई बीमारी से है, इन्फेक्शन हुआ है, वो आप यहाँ पे फिल कर दीजिए। फिर हॉस्पिटल, किस हॉस्पिटल में आपका जो इलाज है वो कैसे चला या फिर क्या वहाँ का प्रोसेस था, मतलब तो उस हॉस्पिटल का नाम यहाँ पे आपको लिखना है, यहाँ से सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट पे जाएंगे, या तो आप प्रीवियस पे भी जा सकते हैं पीछे वाला देखने के लिए, या फिर अगर आपका सब कुछ ठीक है तो नेक्स्ट पे जाइए। फिर उसके बाद आपसे एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स पूछ रहा है ये। तो एम्प्लॉयमेंट डिटेल में अगर आप कहीं काम कर रहे हैं या काम नहीं कर रहे, वो पूछ रहा है। तो अगर आप कहीं काम कर रहे हैं तो एम्प्लॉयड लिख दीजिए, नहीं काम कर रहे तो अनएम्प्लॉयड। फिर अनएम्प्लॉयड से यानी कि कब से काम नहीं कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे डेट फिल करनी है। तो आप जो भी डेट है वो यहाँ पे फिल कर देंगे। डेट फिल करने के बाद में आपसे बीपीएल या फिर एपीएल पूछ रहे हैं कि आपके पास कौन सा कार्ड है, बीपीएल में आते हैं आप या किस में आते हैं। फिर है पर्सनल इनकम, आपकी इनकम कितनी है वो यहाँ पे फिल करना है। फिर फादर इनकम, फादर इनकम जो ये एनुअल में भरनी है आपको, कि पूरे साल में आपका कितना एनुअल इनकम आ जाती है। फिर उसके बाद ये फिल करने के बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपसे लास्ट ये जो स्टेज है वो पूछ रहा है कि आइडेंटिटी डिटेल। आइडेंटिटी डिटेल में आपको अपना प्रूफ देना है, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, आधार कार्ड का जो प्रूफ है वो आपको यहाँ पे लगाना है, और यहाँ पे आपको उसकी फोटो जो है वो अपलोड करनी है। यहाँ से चूज फाइल करेंगे तो आप अपनी फोटो जो है वो अपलोड कर सकते हैं, और जो पीछे जो लगाया था कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस में आधार कार्ड, उसी को ही आप यहाँ पे कंसीडर भी कर सकते हैं, तो वो आप अपने आप ही वहाँ पे लग जाएगा। फिर यहाँ पे आधार नंबर डालना है आपको अपना। फिर यहाँ एनी अदर स्टेट UTI ID, अगर आप किसी और स्टेट में रजिस्टर अगर आपने कर रखा है या फिर किसी और स्टेट का आपका है, तो वो आप यहाँ पे अपना जो आईडी नंबर है वो यहाँ पे लिख सकते हैं, या फिर एनी अदर स्टेट आईडी वैल्यू, तो किसी और स्टेट का यहाँ पे है तो वो आप लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे जो ये कैप्चा कोड है ये आपको जरूर फिल करना है। अगर आपको इसको देखने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप यहाँ से सुन सकते हैं, ये ऊपर वाले बटन से ये आपको मतलब सुनाई देगा और आप आराम से यहाँ लिख पाएंगे। नहीं तो अगर आपको और प्रॉब्लम है तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, तो दूसरा जो कैप्चा है वो आ जाएगा और आप इसको आराम से यहाँ पे फिल कर दीजिए। जैसे आप यहाँ फिल करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ से आप बॉक्स में आपसे पूछा है आई हैव रीड एंड एग्रीड द टर्म एंड कंडीशन, यानी कि जितनी भी टर्म एंड कंडीशन है वो आपने पढ़ ली है। जब आप इस पे टिक कर देंगे तो फिर आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। प्रोसीड पे जब आप क्लिक कर देंगे तो आपका ये जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर जैसे आप इसको प्रोसीड करेंगे, इसमें आपको यूनिक डिसेबिलिटी एक नंबर मिल जाएगा। इस नंबर से आप अपने एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं, और जो ये फॉर्म आपने फिल किया है इसको आप डाउनलोड करके भी रख सकते हैं, ताकि फ्यूचर में आप जब कार्ड जब इसका लें तो आपको इसमें सहायता हो सके। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है, आपके लिए उपयोगी है, तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने ग्रुप्स के साथ में इसको शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ताकि लोगों को यूनिक डिसेबिलिटी आईडी बनाने में सुविधा हो सके। और अभी तक भी अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे द्वारा जो वीडियो बनाए जाते हैं आपको समय पर मिल सके और आप इसका लाभ उठा सकें, और आप अपने फ्रेंड्स को और अपने दोस्तों को इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।
थैंक यू।